हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड यू। तो कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम से हमने कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं डाला है। उसका रीज़न आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में जो इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है उसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई हैं। बट हम बहुत ही जल्दी अपना एक नया ट्रैवल व्लॉग अपलोड करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आप दिवाली का टाइम चल रहा है और घर की सजावट वगैरह चल रही है। मैंने भी घर की सजावट करी है और आप लोगों को मैं वो दिखा दूंगी। और मेरे रूम पे ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो हैंडमेड होती है। आई मीन माई पेंटिंग्स एंड माई क्राफ्ट वर्क, ये सब मिल करके मेरा रूम जो है एक क्राफ्ट रूम लगने लगता है। तो वही कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और 180, 200, 300, 400 रुपीस के वन पेयर टू पेयर आप फ्लावर्स खरीदते हैं। तो फ्लावर्स तो आप खरीदते हैं वो आपको महंगे पड़ जाते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको 100 रुपये के बजट के अंदर डजन यानी कि 12 फ्लावर आप कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि अभी मैं वही काम करने वाली हूँ। और मैंने सोचा कि जिन लोगों को नहीं मालूम है ये ट्रिक या फिर ये क्राफ्ट, तो वो लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम हुए थे। तो आई विश कि जिन जिन ने एग्ज़ाम दिए थे उनका पेपर अच्छा हुआ हो और वो सभी लोग सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड में बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है और बहुत सारी प्रॉब्लम जिसकी वजह से होती है तो आप सबको मालूम है। और उत्तराखंड के हालात तो अच्छे से ही मालूम है। और उसके जो एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो भी काफ़ी हाई गया था ऐसा मैंने सुना था। और मैंने पेपर दिया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर अभी मिल भी नहीं रहे, तो देखते हैं फाइनल आंसर की कब तक आती है और उसका क्या रिजल्ट बनता है। आप लोगों का पेपर कैसा गया? क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों का पेपर कैसा गया मुझे कमेंट करके बताना या फिर मुझे मैसेज करके बताना। और आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो है ये फ्लावर पॉट मैंने मार्केट से लिया था, लेकिन जो इसमें जो ये फ्लावर्स बने हुए हैं ये मैंने खुद बनाए हैं और ऐसा लग रहा है ना ओरिजिनल फ्लावर्स। देखिए हाँ, तो ये फ्लावर्स मैंने कैसे बनाए हैं आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल फ्लावर्स है। यही चीज़ें मैंने बच्चों को भी सिखाई है और आप लोगों को सीखना है तो आपको मैं सिखा दूँगी। क्योंकि इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मेन जो एम था वो यही है कि मैं क्योंकि अभी फ्लावर्स बना रही हूँ, दिवाली आने वाली है और वैसे भी दिवाली नहीं भी आती है तो घर के डेकोरेशन करने में कोई टैक्स थोड़ी ना जाता है। तो बस यही है जिससे मेरा रूम डेकोरेशन नहीं देखा है, वो भी मेरा रूम डेकोरेशन की वीडियो आएगी, उसको देखना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ ये सब। तो एक कपड़ा है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये कुछ नेट का जैसा कपड़ा होता है थोड़ा कड़कड़ा सा, इससे बनते हैं ये फ्लावर्स। अभी मेरे और तो कपड़े ख़त्म हो चुके हैं सारे, मेरे पास वाइट बचा है और उसकी मैंने पीसेस से देख सकते हैं आप, ये नेट का ऐसा कपड़ा है, इससे फ्लावर बनाया था मैंने, आपको दिखाती हूँ। जो कपड़ा मैंने फ्लावर बनाने के लिए यूज़ किया है इस कपड़े को बोलते हैं ऑर्गेंडी। ऑर्गेंडी का ये फैब्रिक है और ये फ्लावर बनाने के लिए अब हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक नंबर वन में हमको ये चाहिए ये स्टिक, जो ये मेटल की वायर आती है, ये 2 रुपीज़ की मिल जाती है। ये वायर जो होती है फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है, ये हमारी होगी स्टेम के लिए, उसका तना बनाने के लिए। नंबर टू में आता है ये ग्रीन टेप, ये क्रेप पेपर का टेप होता है, दिखा देती हूँ, क्रेप पेपर, ये पेपर होता है तो इसका एक टेप होता है, इसमें लपेटने के लिए ये इसका स्टेम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और चाहिए होती है हमें, वो है अपनी पसंद का कपड़ा, जिस कपड़े का जिस कलर का भी आप लोग फ्लावर बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक हमको चाहिए ग्रीन कलर की डोरी या रील का धागा, ताकि इसमें अच्छे से ये आपका इसका कंट्रास्ट अच्छा बैठता है ग्रीन कलर का और पता भी नहीं चलता है आपने क्या कर रखा है।
बस मेरा सीजर तो मिल नहीं रही है अभी, इसे काट देती हूँ कपड़े काटने। ये देखिए ये ग्रीन हो गया पूरा। अब मैं जरा आपको इसके बारे में बताती हूँ। और हाँ, कुछ पत्तियाँ हमें चाहिए होती है, पत्तियाँ आप चाहे तो इससे बना सकते हैं, ये ग्रीन ऑर्गेंडी के कपड़े से। और ज़्यादा ओरिजिनल लुक देना है तो ये रेडीमेड, ये आपका मिलता है आई थिंक ये आपका तीन रुपये का या चार रुपये का मिल जाता है, 3 रुपये का मुश्किल से। और बहुत अच्छा लगता है आपके फ्लैट्स में, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं अभी। देखते अच्छा, देखिए फ्लावर्स बनाने के लिए हमको एक तो छोटा साइज का पत्ता चाहिए, एक ये साइज, एक इससे छोटा साइज और एक ये सबसे छोटा साइज। ये 3 साइज के मैंने पत्ते बनाए हैं। अभी पत्ते कैसे बनाते हैं ये मैं आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर तो पूरा ये सामान फैला हुआ बिखरा हुआ है मेरा सामान, तो मैं आपको पत्ते बना के दिखा दूँ। ये मैंने पीसेस कट कर लिए उस कपड़े के, तो सबसे छोटा पीस ये है, दिख भी नहीं रहा होगा आपको, सबसे छोटा पीस ये है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा पीस एक और कट, ये रहा, ये इससे थोड़ा बड़ा पीस और ये साइज जो है आपका, ये तो सेम लग रहा है, हाँ ये सबसे बड़ा साइज है इसका। 3 साइज मैंने अलग अलग कट कर रखे हैं। आप लोगों को फ्लावर कितना बड़ा चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि मैंने ये पंखुड़ियाँ कैसे बनाई है इस कपड़े की हेल्प से। तो सबसे छोटा पीस है ये, इसको मैंने एक अच्छा शेप ले लेती हूँ, एक स्क्वायर शेप, ये सेम साइज है। इसे मैंने दोनों डायगोनल के साइड से इनको फोल्ड किया है, उसके बाद इसको ऐसे मोड़ा, उसके बाद इसको ऐसे ट्विस्ट किया और ये दोनों साइड को बाहर की तरफ को ऐसे मोड़ दिया। एक अच्छी खासी पत्ती बन गई है गुलाब की। वैसे ही मैं उसके थोड़े बड़े साइज को फोल्ड करूंगी और इसको ट्विस्ट कर दूंगी, उसके बाद इधर से दोनों साइड से इसको रोल कर दूंगी बाहर की तरफ को। ये हिस्सा आपका उठा उठा रहना चाहिए ऐसे। और ये सबसे बड़ा साइज है, इसको भी हमने ऐसे फोल्ड किया, ट्विस्ट किया एंड देन इसको रोल कर लिया। ऐसे ही मैंने बाकी ये सारे पेटल्स बना दिए। और इसमें आपको 6 छोटे वाले साइज लेने हैं, 6 उससे बड़े और 6 उससे बड़े। ये हो गया। अब मैं आपको फ्लावर बनाना, अब एक ऐसे स्क्वायर शेप के पेपर है, मैं थोड़ा सा जो वेस्ट था उसका वाइट का उसको ऐसे भरूंगी, के बाद इसमें ऐसे इसको फिट करके, इसके बाद अब इस डोरी से मैं इसमें लपेटना स्टार्ट करूंगी। ये हमारा फ्लावर का टॉप बन गया। अब छोटे वाले साइजेस जो मैंने बनाए हुए थे उसको मैं इसमें लपेटना स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो आपको हर एक के 6-6 बनाने हैं, पर आपकी मर्जी, आप बड़ा बनाना चाहो या उससे थोड़ा छोटा बनाना चाहो, वो डिपेंड करता है। और भी इसमें छोटा साइज का फटाफट से मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखा दे रही हूँ। देख सकते हैं मेरा रोज बन के तैयार है। अब मैं इसमें ये ऐसे
इसको लगा दूंगी ग्रीन जो है यहाँ पर। फटाफट से ग्रीन लगाने के बाद मेरा अगला काम क्या रहेगा, ये पहले ऐड करना होता है ऐसे करके, बट मैं उसमें भूल गई थी तो मैं इसको भी बाद में ऐड करूंगी। और अब मैं इन पत्तियों को लगा करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा मेरा, ये मेरा व्हाइट रोज बनके रेडी है। अब मैं आपको अपने साथ, तो गाइस वीडियो मैंने कल बनाना स्टार्ट किया था, नेक्स्ट डे हो गया है क्योंकि मैं सो गई थी, मुझे थकाई लग गई थी। तो ये मेरा व्हाइट रोज है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और ऐसे कैसे कैसे फ्लावर्स बनाए। तो मेरे फ्लावर बनके रेडी हो चुके हैं और मैं अब आपको अपने फ्लावर्स दिखाने वाली हूँ। एक नहीं दो नहीं, मैंने फ्लावर का पूरा एक बंच तैयार कर रखा है और इसको तैयार करने में मुझे पूरा एक दिन का टाइम लग गया है क्योंकि बीच बीच में ब्रेक आता जाता, कुछ ना कुछ जरूरी काम आ जा रहा था, बट फाइनली मेरा काम हो चुका है और मैं आपको अपने फ्लावर्स दिखाती हूँ। और ये पूरा का पूरा बंच है फ्लावर्स का, लग रहे ना पूरे ओरिजिनल। आप लोग भी इसको बना करके ट्राई कर सकते हैं, इससे मेरा रूम तो पूरा डेकोरेट होने वाला है और इससे मेरे 3 फ्लावर पॉट बनके तैयार हो जाएंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल में आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की चीज़ें जरूर मिल जाएगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू देती हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। Thank you so much for watching this video. Bye guys.